तो अब निकल चुके हैं। कहाँ के लिए निकल रहे भैया? वी आर गोइंग टू लैंड जॉन। ज्यादा अंग्रेजी बोल दी, हम सीधी भाषा में बोले तो अब लैंसीडोन जा रहे हैं। मास्टर लैंसीडोन बनके मास्टर बन के। भाई प्लान पहले ऐसा था लैंसीडोन जाने का, तो लैंसीडोन हम गए नहीं क्योंकि बीच में, बता दो भैया अपने कारनामे क्या हुआ, बीच में रास्ता टूटा था। रास्ता टूटने का डर था, डर था या टूटा था? नॉट श्योर, पर डर था। डर था तो इसलिए हम गए नहीं, हम सो गए। और आज नया दिन हुआ है, सुबह के बज रहे 7, साढ़े सात और हम जा रहे हैं सीधा हरिद्वार। पहले हरिद्वार निकल रहे हैं, फिर वहां से ऋषिकेश। ऋषिकेश। चली वे मोटर चली सरा ररा पां पां चली मत्ते वो क्यों हूँ नगरी से बाबा की नगरी, ये हवा में बहता हर विषय। खमो खमो ड्रिल के साथ रमो दमो बाबा के द्वार नमो नमो मैं न लो शंभु शंभो लेट्स गो। खमो खमो ड्रिल के साथ रमो दमो। तो भाई एक्यूरेट टाइम पर पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार में, और भाई ने बाइक बहुत तगड़ी चलाई, वो आपको वीडियो में दिख गया कितनी मस्त चलाई। 9:30 पे करेक्ट पहुंचे, 7:30 में निकले थे और 9:30 पे पहुंच गए। घर से निकले 7:30, तो हाँ 7:30 में निकले, बीच में पेट्रोल भराया, 8 बजे समझ लो, 8 बजे करेक्ट निकले थे और 9:30 पे 1.5 घंटे के अंदर हरिद्वार में। और अब लगाने जा रहे डुबकी। ओए पानी कितना ठंडा है ये तो यही बताएंगे, पहले ये जा रहे हम तो आराम से संभाल के बैठे हुए इंतजार करते अपनी बारी का। कूदो कूदो हम भी देखे भाई, हाथ दे चैन पकड़ के जा रहे हो डुबकी लगाने, क्या होगा आपका? क्या हुआ? तुको शिकारी है प्रभु मैं माफ करी, मैं इंसानी दे गंगा एहसास, जो किया मेरा बाप लगाता गोते तो सच का एहसास, बचना नहीं कुछ मेरे पास, मैं बंदा नहीं खास या सब पकड़ने वरना। ये ऋतिक और ये ऋतिक डर 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 कैसे है, पानी पानी कैसे है ऋतिक? ऊपर देखो ऋतिक, यहाँ देखो, आपने ऐसे क्यों पकड़ा है, छोड़ दो ना उनको, देखो कैसा है, छोड़ो छोड़ो। चल मेरे संग के दाखन, सबसे प्रथम जहाँ शक्ति प्रचंड, हाँ उस भूमि में मेरा जन, डंडमा डम भले को चढ़ा के भंग चले घटा के संग, निहारू घाटी को। घर से साबुन वाबुन लगा के नहीं। तो भाई अपना गंगा स्नान करके हम निकल चुके हैं बाहर, टीका वीका लगा के। अब अपना आगे का सफर जारी रखते हुए अब किधर जा रहे हैं हम? जाएंगे ऋषिकेश। और अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश। फटाफट निकलते, गंगा जल भी बन लिया, नाश्ता कर लिया हम सबसे पहले दोस्तों, हम कर लिए पहले नाश्ता, तो इसी के साथ गंगा मैया को करते बाय टाटा, बाय बाय, फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम।
और अभी चलते ऋषिकेश। टोर्नाडो निकले ओ ये तो वो ये भयंकर उत्तराखंड बटी चौंधू नुमा रेंदू शान से केंदू टाड़ी काठे मा छो रेंदू छाती ठोक के केंदू। ले लो हनुमान जी साथ अंधा भजन पूरी रात पहाड़ी बजो पहाड़ी नाच कोक से सोडा चलती चार्ज गाता ड्रिल दमो लेके सारे फैंस को तो लेट्स गो लेट्स गो। मुझको जो तुमसे मोहब्बत वो इतनी तो खुद से भी ना ए देवी मैं देवो की हूँ नगरी से बाबा की नगरी ये हवा में बह। तो भाई फाइनली इतने स्ट्रगल करके भैया यहाँ पर आए ऋषिकेश। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला क्यों नहीं गए? बताओ लक्ष्मण जाओगे? उम्मीद है भाई 3 बज गए घर भी जाना है। 1 बज रहे तो घर भी जाना है पहुँचते पहुँचते। सबसे पहले बोलो हेलो गाइस मेरी बोलो हेलो गाइस। ये जिसने कैमरा पकड़ा है हमारा क्या है चलतीगा ये हमारे गाइडर है। गाइड दिखाओ अपनी हालत दिखाओ भाई मैं दिखा नहीं सकता। ये देखो इन्होंने देखो कितना सामान रखा यहाँ की पूरी घंटा खड़े हो इसके अंदर पूरी किताबी किताब है रास्ते की लक्ष्मण झूला राम झूला जानकी पुल सब का है इधर। ये देखो गंगा जल लेके घूम रहे साथ में और ये इनका जिसमें घुमा रहे उड़न खटोला इनका और पीछे देखिए बैग सामान इतना भारी भाई साहब बहुत भारी देखो भाई एक ब्लॉगर की मजदूरी कर रहा हूँ देख लो और देखो मजे कर देखो यहाँ पे इस व्यू के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो भाई हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल ही दोपहर के अभी बज रहे होंगे 3:30 बज रहे होंगे और हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए और एकदम सुनसान रास्ता है बिल्कुल इस बार क्योंकि हमने दूसरा रास्ता चूज किया हमने कहा उस वाले रास्ते से तो हो के आ चुके हैं अब दूसरे देखते हैं वो कैसा है। तो ये वाला भाई बिल्कुल ही सुनसान है देखो ये देखो पूरा जंगल ही जंगल भाई एकदम इतना अच्छा पॉइंट बोला था भाई ने क्या बोलूं कैमरा ऑफ हो गया रास्ता देखो कि और कितना प्यारा है कितना प्यारा है कैसे चला रहे बाइक क्या ये सब बुक हम अपने सब्सक्राइबर के लिए दे रहे हैं और भाई मजा है ऐसे रास्ते में बाइक चला के अपने मजा आ रहा होगा और सबसे बड़ी बात है रिद्धि पा रहा मजा को जो सीट पे बैठा हुआ है ना ऐसे चीजें पता ही नहीं जाती नजर लग जाती है लग जाती है। आपको बाइक चलाते हुए कैसे लग रहे हो आपको बताओ ना लोग ऑफ रोडिंग के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं अपनी गाड़ी लेके हम बाइक लेके ऑफ रोडिंग कर रहे हैं पहले जिंदगी लेती थी स्वाद और हम बाइक ले रही है हमारे स्वाद फर्स्ट लेवल बी क्रॉस नाउ बिकमिंग सेकंड देते रहिए और गाड़ी को भगाते देखो भाई कितने घने जंगल में फंसे हुए और ऑफ रोडिंग का भाई पूरा स्वाद ले रहे भाई के लिए ऑफ रोडिंग की क्या मस्त रास्ता बना हुआ है आ जाओ भाई ले लो अपनी ऑफ रोडिंग का स्वाद आ जाओ
देखो ये देख रहे हो जंगलों में पानी डाला है, कह रहे पानी कोई नहीं डालता, मैं डाल दूं, कमी पूरी कर रहे। लो देखो भाई इतना तगड़ा रास्ता है, बीच में गड्ढा और इधर बाइक। आज एक से एक एक्सपीरियंस मिल रहे हैं लाइफ के बाइक चलाने के, बहुत मजे भी लिए, मजे भी लिए और यहाँ रास्ते के मजे भी ले रहे हैं, बाइक हमारे मजे ले रही है और बाइक हमारे मजे ले रही है। लेकिन ये बात तो है अच्छी बात ही चक्कर देती है हमारी बाइक, किसी भी बाइक की है ना, पूरे रास्ते रास्ते चल रही है तो उस हिसाब से कि किसी भी बाइक को टक्कर दे सकती है। देखो ऑफ रोडिंग, रियल ऑफ रोडिंग चल रही है, मस्त वाली। नहीं नहीं भाई की ड्राइविंग तो सर्क कर रहे हैं भाई, सर्क नहीं कर रहा, मैं कह रहा था आपकी अच्छी खासी वीडियो बन जाएगी ऑफ रोडिंग का, लेकिन आपको वो समझ में आ रहा तो मैं वो नहीं कह रहा था, रियल में वही कह रहा था बस। ये देखो, ये देखो बच्चे, यहीं रुकना है अभी तो उस साइड के लिए। तो भाई अब ऑफ रोडिंग का पार्ट 3 है और ये क्रॉस करेंगे, बगान ये मजे आ गया, ऐसा लगा लेवल 3 क्रॉस करके, बहुत बढ़िया। और यहाँ से अब कैसे कैसे लेवल आएंगे वो पहले बता दो। यहाँ से अब ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे रास्ते में ऊपर नीचे थोड़ा देर अपना वो आ जाएगा चेक पॉइंट, आ जाएगा फॉरेस्ट चेक पॉइंट। और ऐसा रास्ता देख लो कैसा रास्ता है ऑफ रोडिंग का, और ये देख लो पहले क्या हालत होने वाली है। भाई कैसी ऑफ रोडिंग है, देख रहे हो, देख रहे हो पूरा स्वाद ले रहे, पूरा स्वाद ले रहे हो ऑफ रोडिंग का। ऑफ रोडिंग के तो पार्टी खत्म नहीं हो रही है भाई, एक और ऑफ रोडिंग। बाबू मैं पीछे बैठा और मैं पीछे बैठा, देखो यहाँ से यहाँ पर रोक देना पीछे वाले में, बस बस ये देखो मुझे क्या हालत कर, भाई ऑफ रोडिंग के लेवल खत्म नहीं हो रहे, कभी मिट्टी आ रही है, कभी पानी की, कभी नदी आ रही है, कभी पत्थर आ रहे, कभी कुछ आ रहे, और जंगल भाई सुनसान लगा लो, खाली ये आगे जो जाते ना अभी ये गिरने वाले थे रेत में, और अभी तो हमारा भी सीन हो गया था, बस बच गए बचे हैं लेकिन मजा बहुत आ रहा है। बाइक बंद हो चुकी है एक बार, जैसे तैसे करके निकाल रहे बस ये लगे पड़े चलते हैं। और अभी पता क्या सीन हुआ, एक सीन ऐसा हुआ, यही आगे मोड़ पे मैं गया, मेरे को पूरा एक इंसान दिखा भाई, वीडियो में भी दिखा, अगर दिखा होगा तो शायद से दिखा ही होगा वीडियो में, लेकिन ये भाई कह रहे इन्हें बिल्कुल नहीं दिखा भाई, कोई ना झूठ बोल रहा है, मुझे डरा रहा है, ये कह रहे डरा रहे भाई, जिंदा इंसान दिखा भाई बाइक के साथ, कह रहे कोई इंसान ही नहीं खड़ा, कोई इंसान ही नहीं खड़ा, और मेरे को लग रहा है डर बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन इन्हें लग रहा है ये कह रहे कोई इंसान ही नहीं, बट हाँ अगर वीडियो में रिकॉर्ड होगा तो जरूर देखेगा, कुछ भी हो सकता है भाई, हम रस्ते पर चल रहे इस टाइम पर, तो उसी बात का थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है हमारे पास है। और गाइस सारे हमारे जो भी ऑफ रोड सब खत्म हो चुके हैं, हमारे पास नॉर्मल रास्ता है और सर हम बस इसके बाद हम रहते हैं, फिर जंगल ऐसे रहेगा, जंगल रहेगा लेकिन रास्ते क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो भाई एक और मोड़ आ चुका है, बाइक का चैन निकल गई है, कैसे करा भाई आपने ये, अब जाके बाइक को कहीं कहीं पर बाइक ने हार मानी, नहीं हार ना मानी, हार भी नहीं मानी, मतलब थक गई है थोड़ा, वो मांग रही थी रेस्ट, तो उसने कहा उतर जाओ थोड़ा मेरे से,
लग चुकी है बाइक की चेन निकलती फिर से। आगे से कैसे करेंगे? चेक पोस्ट के बिल्कुल पास से हुआ बस, पर कोई नहीं, मैनेज करते देखते। कमाल दादू जब साथ में फूकते माल, रोला मचोलू तो लग लू छाल, माया चाल खींचना मार देते हम ढील, जोगी हम बाबा जो करते अपील। तो भाई सफर अपना पूरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, घर पर पहुँच चुके हैं। अभी बज रहे शाम के 6:30, पहुँच हम तो 5:30 पर गए थे, उसके बाद मुँह हाथ धोया तो टाइम हो गया 6:30, तो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था, मैं ब्लॉग एंड करते। तो भाई आज का पूरा ट्रिप ये था, सुबह निकले थे 8 बजे के करीब, और वहाँ से फिर हरिद्वार, गंगा स्नान, फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश से जाने का प्लान तो था हमारा लक्ष्मण झूला, पर लक्ष्मण झूला में जा नहीं पाए क्योंकि भाई बहुत ही रास्ता भी बहुत होता, तो मन नहीं करा, और घर भी आना था क्योंकि आज में था जो भी था, तो घर आना था। उसके बाद आते ना हम दूसरे रास्ते में, तो वहाँ पर देगा थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, पूरी ऑफ रोडिंग, और बीच में फिर चैन ख़राब, थोड़ी सी चैन निकली थी, उसके बाद मैकेनिक पे जाके चैन सही करवाई, फिर वहाँ से घर आए। और अब घर आके भाई थक चुके, कल वापस भी जाना है दिल्ली। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।